औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई राजा अल्ताफ साहब ने यहाँ पे खिताब किया, हुकूमती अवानों में जो बैठे लोग हैं इनसे जब ये अपोजिशन में बैठे हुए थे तो इनसे मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये जो यूनियन लीडर होते हैं ये V8 पे आते हैं, ये लैंड क्रूजर्स पे आते हैं, ये करप्शन माफिया है। राय साहब आप जरा खड़े हो, आपकी V8 सब दुनिया देख ले। मेरे भाई ने इस मजदूर ने जो यहाँ पे खिताब किया, आपको नजर आ रहा होगा कि जिंदगी के कीमती आयाम इस अदारे को दिए। और ये जो बुजुर्ग मेरे बैठे हुए ये सफेद दाढ़ियां नजर आ रही हैं आपको, ये चांदी उतरी हुई है, ये जो दोस्त आज काले कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, ये इन्हीं की मनूर है मिन्नत ये इदारे चल रहे हैं। ये किसी डायरेक्टर या MD की बदौलत ये इदारे नहीं चलते, ये इन मजदूरों से इदारे चलते हैं, ये इन मजदूरों की कमाई से ये महकमे बनते हैं। ये जो इमरान खान साहब जिनके ऊपर तलाश गुमशुदा का इश्तेहार है आजकल, मैं उसको इमरान खान को आज ढूंढ रहा हूँ जो कंटेनर पे खड़ा होकर कहता था कि मजदूर की तनख्वाह मैं 2 लाख करूंगा। ओ खुदा के बंदे, मुझे क्या पता था तू ही सबसे ज्यादा गरीब है जो अपनी तनख्वाह 2 लाख होने पे कहा मेरा गुजारा नहीं हो रहा। आज वो इमरान खान कहाँ पे है जो कहते हैं कि मैं आज सरकारी मुलाजमीन की इंक्रीमेंट खत्म कर दूंगा। 1 साल के बाद उम्मीद होती है कि 2000-3000 रुपया हमारा बढ़ जाता है, जबकि जरूरत के जिंदगी के अंदर रोजाना की बेसिस के ऊपर हमारे जो है ना खराजात बढ़ रहे हैं। बच्चों के स्कूलिंग के ऊपर टैक्स, पानी के ऊपर टैक्स। भाई ने बड़ी बात की है कि जुबान के ऊपर टैक्स ना लग जाए, और लगा ले फिर भी हम बोलेंगे, फिर भी हम इसके लिए कावड़ बनेंगे। जीना जीना अपना जीन लो, जीना जीना अपना जीन लो। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई। अगर ये दोस्त कहते हैं ना कि ये मजदूर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मजदूर इकट्ठे हैं, इन मजदूरों ने ही हुकूमत बनाई है, इन मजदूरों की वजह से ही आज शेख रशीद जो है वो इस सीट के ऊपर बैठा हुआ है, इन मजदूरों की वजह से ही एविएशन सेक्रेटरी एक जाहिल लोग जो बैठा हुआ है हमारा खान सरवर, वो इन मजदूरों की वजह से बैठा हुआ है, जिसके साथ अपोजिशन के वक्त जाके जब हमने मुतालबात रखे कि एयरपोर्ट या ये रेलवे या PIA इनको अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये इदारे मजीद डूब जाएंगे, मजीद इनके ऊपर खराबी होगी। वो कहते हैं अपनी जुबान में कि वक्त मां तो नहीं पता कि सिविल एविएशन के इदारे के प्रायोरिटाइज करें दे रहे, मां दसो तकरीर कितने करनी है, कितने धरने बहना है। और खुदा के बंदे आज तुझे उसी मिनिस्ट्री के ऊपर लगा दिया, अगर तुझे पता नहीं था तो तूने इनकार कर देना था कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैं दोस्तों से वादा करता हूं आप इन हुक्मरानों का सफर रेलवे से बंद करें। मैं PIA की जो फ्लाइटों पे या किसी और एयरलाइन पे ये एयरपोर्ट से सफर करते हैं, इनका सफर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और पूरे पाकिस्तान से इन अमीरों का जो शहजादे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को शहजादे समझते हैं हालांकि वो शहजादे नहीं है, वो करप्शन के बादशाह हैं, उन्होंने करप्शन के अंदर अपनी बादशाही कायम की हुई है, उनका सफर पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्टों से मैं बंद करूंगा। आप रेलवे से बंद करें, खुदा की कसम किसी एयरपोर्ट से ये लोग सफर नहीं कर सकेंगे, इनको मजदूर की ताकत का तब पता चलेगा। मेरे भाई किसी यूनियन से, किसी तलबा इतिहाद से अगर आपका ताल्लुक है, किसी CBA से है और नॉन CBA से है, ये वक्त है आपका इतिहाद का और ये इलामत है इतिहाद की। अगर आप एक उंगली रहोगे तो इसको तोड़ दिया जाएगा, जब आप एक मुक्का बन जाओगे तो अगले के जबड़े को पता चल जाएगा ये किसी मजदूर का और लोहे का हाथ किसी के मुंह के ऊपर आया है। तो इसलिए इस इतिहाद को कायम रखे, इंशाल्लाह ताला जो वादा आपसे किया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जिसका आप कहेंगे उसका जहाज रोकूंगा। Thank you.